नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। जहाँ रिस्क है वहीं पर रिवॉर्ड है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए जरूरी है इन जोखिम को समझना। हर एसेट क्लास में अपना अलग जोखिम होता है। आज बताएंगे निवेश में कितने तरह के रिस्क होते हैं और इन रिस्क को कैसे पहचाने और कैसे पहचान कर इन्हें किया जा सकता है कम। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आनंद राठी, वेल्थ से डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। रिस्क और रिवॉर्ड यूजुअली एक साथ ये चलते हैं। अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो आपको कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रिस्क को समझा कैसे जाए। तो एक निवेश के कॉन्टेक्स्ट में रिस्क होता क्या है? स्वाति जी नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे आपने कहा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, रिटर्न और रिस्क। दोनों को समझना जरूरी है, तब जाके आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो करेक्ट और संतुष्टि से निकलेगी। तभी आप एक पीसफुल पोर्टफोलियो के साथ, एक गुड नाइट स्लीप के साथ रह पाएंगे, अगर आपने दोनों पहलू ठीक से समझे। तो रहा सवाल रिस्क की, बात करें तो रिस्क होता क्या है। जो भी आपकी उम्मीदें होती हैं उसके परे कुछ भी होता है, वो जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके परे कुछ होता है, वो होता है रिस्क। तो अगर आपने समझो कि 10% की रिटर्न की उम्मीद करी थी, 3 साल होल्ड करने के बाद मुझे 10% कंपाउंडेड मिल जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट में फॉर एग्जांपल, और 10 ना मिला और 7 मिला, जो ये डिविएशन है, जो ये कम मिला आपको, उसको हम रिस्क कहते हैं। इनफैक्ट फाइनेंस में तो ज्यादा मिल गया उसको भी रिस्क ही कहते हैं। Any difference from expectation is a very common way to understand risk. Okay, तो risk हमने समझा कि कैसे क्या होता है किसी एक निवेश में, पर क्या इसको पहचानने का कोई एक तरीका है? क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं कि आप अपने रिस्क को देखकर किसी एक एसेट क्लास में निवेश करें, यूजुअली कहा जाता है या एडवाइस की जाती है। तो इसको पहचानने का पैमाना है कुछ, अगर हम इसको अलग अलग पैरामीटर्स के जरिए समझे। फिरोज, यस स्वाति, देखो रिस्क को पहचानना तो बहुत जरूरी है, बट उसको उसके पहले आपको ये देखना है कि कई कई किस्म के रिस्क होते हैं। वो कौन से रिस्क होते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है एज द फर्स्ट स्टेप। और डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले तो रिस्क की टाइप्स क्या होती हैं अमूमन, राइट? मोस्ट पॉपुलर जो आप अगर सीख लें, 5 रिस्क को ठीक से समझ लें, तो आपने 90% रिस्क का काम कर लिया। तो वो होती है मार्केट रिस्क। एक मार्केट रिस्क जो उतार चढ़ाव है प्राइजेस की, वो एक रिस्क, जिसको कहते हैं प्राइस रिस्क या मार्केट रिस्क, वो एक पहली रिस्क होती है। वो इक्विटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी रिस्क होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ब्याज के उतार चढ़ाव से जो आपके डेट फंडों पे असर पड़े, उस रिस्क को कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये सेकेंड टाइप की रिस्क होगी। तीसरा, क्रेडिट रिस्क, बहुत और सबसे महत्वपूर्ण रिस्क, ज्यादातर डेट में होती है और इक्विटी में नहीं होती। क्रेडिट रिस्क वो होती है कि मैंने किसी कंपनी को अपने पैसे उधार में दिए, या बॉन्ड खरीदा या FD करी, और वो पैसे लौटाते वक्त पैसे ना लौटाए, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। पैसे दिया किसी को और लेके भाग गया, या उसकी क्षमता ही ना थी कि वो आपको पैसे वापस कर पाए, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तीसरा, चौथा, करेंसी रिस्क। देखिए करेंसी रिस्क क्या होता है कि अगर आपने समझो कि आपने इन्वेस्ट किया रुपी में, और हमारे देश में तो रुपी चलता है ना, बट आपके बच्चे को आपको भेजना है पढ़ाई कराने बाहर, तो समझो कि रुपी की वैल्यू घटती जाए तो आपको एक रिस्क आ गई कि आपने पैसे तो ठीक इन्वेस्ट कर लिए, बट जब आपने डॉलर खरीदने की बारी आई तो डॉलर उतने मिले नहीं, वो होती है करेंसी रिस्क। वो होती है फोर्थ रिस्क। और फिफ्थ रिस्क होती है लिक्विडिटी रिस्क। जिस दिन आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे ना मिले और आपको वही चीज सस्ते में बेचनी पड़े, तो लिक्विडिटी रिस्क। समझिए आपकी एक फार्म लैंड है कहीं कर्जत में, और आपको कुछ विपता आ गई, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो जो दाम पे पड़ोसी ने बेची थी उस दाम पे आपकी लैंड नहीं बिकने वाली, आपको 20% सस्ते में डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी, वो हो गई लिक्विडिटी रिस्क, सस्ते में चला गया मेरा माल। तो ये 5 रिस्क को समझना, इंटरनलाइज करना एक फर्स्ट स्टेप होता है। और रिस्क एक नहीं होती, 4-5 होती है, 6 होती है, बट आई थिंक 5 इंपॉर्टेंट रिस्क इज व्हाट आई हैव आर्टिकुलेटेड फॉर द इन्वेस्टर। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो फिरोज, आपने कहा कि 5 तरीके के रिस्क होती है जिनको समझना निवेशकों के लिए जरूरी होता है। तो अक्रॉस द एसेट क्लासेस, क्या एक निवेशक इन रिस्क को देखता है, या ये रिस्क होती हैं हर एक एसेट क्लास में, स्पेशली अगर इक्विटी में बात करें, आप इक्विटी की बात करें, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का जिक्र किया था, हम बीटा की बात करते हैं, ये तो निवेशकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। पर अगर हम आसान भाषा में समझे रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा, ये रिस्क को कैसे डिफाइन करता है? स्वाति जी, देखिए जैसे 5 रिस्क थी, उसमें से हर रिस्क के एक मेजरमेंट्स होते हैं। रिस्क हो गई, फिर रिस्क मेजरमेंट हो गई। क्या इन्वेस्टर रिस्क पे इतनी सोच लगाते हैं? क्या डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर लोग इतनी सोच लगाते हैं और क्लाइंटों को समझाते हैं? शायद नहीं। और रिस्क को हम अंग्रेजी भाषा में यूज करते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। तो अब ये अंग्रेजी का शब्द ना यूज करके कौन सी मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी हर रिस्क को मेजर करने के लिए? वो होता है सेकेंड स्टेप। तो उसमें आपने सही पहला पहलू पे हमें लाए ही है कि मार्केट रिस्क जो होती है, मार्केट की उतार चढ़ाव से जो आपके एनएवी पे फर्क पड़ता है, स्पेशली इक्विटी पे, स्पेशली इक्विटी पे, उसको मार्केट रिस्क कहते हैं। उसकी मेजरमेंट्स कैसे हो सकते? मेजरमेंट 3 किस्म की मेजरमेंट्स, वो तीनों मेजरमेंट्स में इंपॉर्टेंस तो है, बट आई विल टेल यू। स्टैंडर्ड डिविएशन एक ऐसी चीज है कि जो आप समझिए कि इक्विटी में 15% की रिटर्न लंबी अवधि में आने की हम सब बात करते हैं, बट ऐसे भी 5 साल हैं कि किसी को 22 मिल गए और किसी ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया उसको 8 मिल गए और 15 एग्जैक्टली किसी को नहीं मिले। तो ये जो डिविएशन है उसको मेजर करता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जैसे नाम दर्शाता है। ये लगते बड़े भारी भरकम शब्द है, बट एक्सेल शीट भी कैलकुलेट करके आपको दे सकता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला में ही ऑलरेडी इम्बेडेड है एक्सेल शीट में, तो आपको कहीं और से फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अगर समझिए एक पोर्टफोलियो है, जैसे आनंद राठी पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो एक्सपेक्ट करती है ये कंपनी, जब पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं हम स्टडी करके, तो 14% की रिटर्न आनी चाहिए, ये उसकी एक्सपेक्टेशन पोर्टफोलियो की होती है। और अगर समझो कि 8 की स्टैंडर्ड डिविएशन है, 8% की स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो इसका ये मायने है कि 14+8 और 14-8, ये जो 8 की जो स्विंग है वो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अधिकतर रिटर्न 22 और नीचे की तरफ 6 के बीच में रहेगी अधिकतर रिटर्न, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। जितना छोटा उतना कम रिस्क माना जाएगा। बिल्कुल। मैं अगर यहाँ पर, आपने अलग अलग रिस्क की बात की फिरोज, इन्फ्लेशन रिस्क का आपने जिक्र किया, इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात की, और बहुत सारे रिस्क का आपने यहाँ पर मेंशन किया, स्पेशली इन्फ्लेशन रिस्क, मतलब महंगाई दर से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है। यूजुअली जो फिक्स्ड इनकम होती है, डेट होती है, उसमें इंटरेस्ट जो, माफ़ कीजिए, जो इन्फ्लेशन रिस्क होता है वो ज्यादा माना जाता है। क्या इक्विटी में भी इन्फ्लेशन रिस्क का खतरा हो सकता है? स्वाति जी, इक्विटी में इन्फ्लेशन रिस्क का खतरा कम होता है। पहले अगर 1 मिनट में ये समझेंगे इन्फ्लेशन रिस्क होता क्या है। जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन रिस्क भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क है, और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो इन्फ्लेशन रिस्क को ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। इंडियंस इंडियंस ब्याज पे पैसे लगाने में बड़ा उनको चाह है। एफडीओ में इंडिया में 129 लाख करोड़ हैं इंडियन हाउसहोल्ड्स के एफडीओ में, और एफडी महंगाई को मात नहीं दे पाती। ये 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, इंडिया के कोई भी डेटा ले लें तो ये करेक्टली बताएगा कि आप महंगाई को मात नहीं दे सकते आफ्टर टैक्स एफडी में रह के। फिर भी 129 लाख करोड़ एफडीओ में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें सेफ्टी से प्रेम है और इन्फ्लेशन रिस्क को हम इतनी महत्वपूर्णता नहीं देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मायने अगर समझने जाएं तो समझिए कि आप अपने लिए पैसे बचा के रख रहे हैं ताकि ये पैसे कभी और काम आ सके आपको आगे चलते हुए 3 साल बाद। समझो कि अगर मैं उदाहरण लूं इस जैकेट का, कि मैंने सोचा ये जैकेट अगर आज 10,000 रुपए का है तो आज मुझे जैकेट नहीं चाहिए, मुझे 3 साल बाद ये जैकेट खरीद, तो मैं 10,000 रुपए को एफडी में डाल दूं, और ये 10,000 रुपए बढ़ के 3 सालों में समझो कि 12,000 रुपए
पहुंच जाए तो देखने को तो मेरे पैसे 10,000 के 12,000 हो गए। अब ये 12,000 3 साल की एफडी मेच्योर होने के बाद मैं निकालता हूं बैंक से और मैं जाता हूं शॉपिंग मॉल में और उस दुकानदार को बोलता हूं कि ये मुझे जैकेट दे दे, क्योंकि मैंने 3 साल पहले निर्णय कर लिया था कि मुझे ये जैकेट खरीदना। अगर वो दुकानदार कहे कि अब ये जैकेट का दाम 15,000 का है, अब मेरे पास तो सिर्फ 12,000 है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। क्या मैं ये जैकेट खरीद पाया 12,000 से? नहीं खरीद पाया, मुझे 3,000 की गैप रह गई। ये है इन्फ्लेशन रिस्क, महंगाई रिस्क। इससे बेहतर तो ये होता कि मैं आज ही जैकेट खरीद लेता और जैकेट को अलमारी में रख लेता, ना कि पैसे को एफडी में। ये अगर कोई समझ जाता है तो ये महंगाई, प्राइस राइज, ये सब उनके जहन में बैठ जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बोला आपने फिरोज। और आप भी कई ऐसे क्लाइंट से मिलते होंगे या निवेशकों से को सजेस्ट करते होंगे। हमें कई सवाल आते हैं जिसमें महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग होती ही नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि कितना इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन रिस्क को समझना। पर इस रिस्क को फिक्स करने के तरीके क्या है, इस पर रहेगी खास चर्चा एक ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। निवेश में रिस्क को कैसे करें फिक्स, इस पर चल रही है खास चर्चा आनंद राठी वेल्थ से। हमारे साथ फिरोज अजीज हैं। फिरोज, निवेश का कोई भी जोखिम क्यों ना हो, उसको पहचान कर उसको फिक्स करने का तरीका क्या होता है? मतलब स्मार्ट प्लानिंग कैसे की जाए जिससे कि रिस्क को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सकता है। इस देखिए, पहली तो अगर हम मार्केट रिस्क की बात करें तो आपको डिवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छा टूल है जो आपकी रिस्क को घटा सकता है। अगर डिवर्सिफिकेशन हर लेवल पे देखें, 4-5 लेवल पे डिवर्सिफिकेशन हो सकती है। एसेट एलोकेशन के लेवल पे डिवर्सिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत सारे इन्वेस्टरों से मिला हूं जिंदगी में और बहुत सारे लोग एक एसेट से प्रेम करने लग जाते हैं। एफडी वाले भाई साहब एफडी से इतना प्रेम करने लगते हैं कि उनकी जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है वो एफडी में होती। कोई इक्विटी वाले होते हैं, उनको इक्विटी से प्रेम हो जाता है तो सारी जिंदगी भर इक्विटी से प्रेम में निकाल देते हैं। कोई रियल एस्टेट से प्रेम कर रहा है, तो सबको एक एक एसेट से या दो एसेटों से प्रेम है। तो एसेट से प्रेम ना करें, हर एसेट की एक महत्वपूर्णता है पोर्टफोलियो। ऐसे भी पोर्टफोलियो मिलते हैं जहां 95% रियल एस्टेट, किसी के आधे परसेंट आधे पैसे गोल्ड में होते हैं। तो एसेट एलोकेशन के लेवल पे डिवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। चारों एसेट्स, एक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड डेट, ये चार एसेट्स हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इनमें कितने पैसे आपके होने चाहिए, हर किसी में थोड़े बहुत शायद होने चाहिए। दैट्स एसेट क्लास डिवर्सिफिकेशन। सेकेंड, प्रोडक्ट लेवल डिवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स, आपके पास 385 म्यूचुअल फंड है जहां पे फंड मैनेजर एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, उससे आप 10 खरीद रहे हैं, 15 खरीद रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट लेवल डिवर्सिफिकेशन। तीसरा, आपकी डिवर्सिफिकेशन एएमसी लेवल भी होनी चाहिए कि एक एएमसी की आपने 5 स्कीम नहीं खरीदे। काफी बार हम देखते हैं कि एक निवेशक होता है जिसकी पूरी स्कीम्स एक ही एएमसी की निकलती है और वो उनकी बैंक की एएमसी होती है, तो ऐसा ना करें, उसको एएमसी लेवल डिवर्सिफिकेशन। सो डिवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल टू रिड्यूस मार्केट रिस्क। स्वाति, ओके, तो डिवर्सिफिकेशन एक बेहतरीन तरीका आपने बताया रिस्क को कम करने के लिए। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली क्या होता है कि जो SIP है उसको भी कहा जाता है कि वो रिस्क को कम करने का काम करता है, स्पेशली ड्यूरिंग मार्केट वॉलिटिलिटी। क्या इससे भी हम इसको कम कर सकते हैं वेरी क्विकली? और STP कैसा तरीका है मार्केट वॉलिटिलिटी दूर करके अपने निवेश को सुरक्षित करने का? ये दो भी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इक्विटी की मार्केट रिस्क कम करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे स्वाति जी आपने खुद कहा और कितने सालों से आप प्रचार भी कर रही हैं SIPs का, बिकॉज उसमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी पैसों में किस्तों में आप पैसे डाल रहे हैं। तो अगर आप किस्तों में पैसे डाल रहे हैं तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो भी आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि ऑलरेडी जो किस्तें ऊपर अंदर चली गई हैं वो बढ़ रही हैं। अगर मार्केट गिरती है तो भी थोड़ी खबर है, आपके लिए कुछ खबरी है, क्योंकि अगली किस्त सस्ते में खरीदी जाएगी। तो ऊपर जाता है तो भी थोड़ा सा मुनाफा है, नीचे जाता है तो भी मुनाफा है। तो आई थिंक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान दो एक ही चीज है। ऑफ कोर्स सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में आप पहले पहले डेट फंड में डालते हैं, फिर वहां से ट्रांसफर करते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपके पैसे बैंक अकाउंट से डेबिट होते हैं,
बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, ये दोनों आपको एक्विटी की मार्केट रिस्क कम करने में जरूर अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से काम करते हैं आपके लिए। बिल्कुल, तो कितने तरह के रिस्क, रिस्क को कैसे पहचानना है, रिस्क को कैसे कम करना है, इस पर हमने आज खास चर्चा की है फिरोज अजीज के साथ। फिरोज, बहुत धन्यवाद आपका करते हैं हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और मनी गुरु में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।